गाइस दिस इज शर्मा और आज मेरे सामने खड़ी है एक ब्यूटीफुल बाइक जिसका नाम है KTM ड्यूक 250। और इसका आज मैं रिव्यू नहीं ला रहा हूँ, इसका ओनरशिप रिव्यू ला रहा हूँ, जिसमें आपको इस बाइक के बारे में और थोड़ा जानने को मौका मिलेगा और ओनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारी चीज़ें जानने को आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप प्लान कर रहे थे ड्यूक 250 तो आप इस प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं। और अगर आपका मतलब जो भी बजट है और इस बजट में ये बाइक आपने शॉर्टलिस्ट की है तो इस बाइक के बारे में अगर आप जो भी जानना चाहते हैं इस वीडियो में आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फुल एक ओनरशिप रिव्यू को। आज हमारे सामने खड़े हैं हमारे भैया सोनू भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सबसे पहले आपको तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन नई बाइक के लिए। आपकी है। तो भाई बाइक तो पहली बात तो मेरे को बड़ी गजब की लग रही है, एक नंबर की बाइक है। और एक चीज और पूछना चाहूंगा यार, ये बाइक लोगों को मिल नहीं रही है क्योंकि इसके ऊपर ना वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है और 2024 वाली है ये। जो की जनवरी का मैन्युफैक्चरिंग है तो ये पुणे से ही इंपोर्ट हुई है। पुणे से इंपोर्ट करा ली बाइक आपने? क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रही स्टॉक हो रखी। वेयर हाउस में भी आउट ऑफ स्टॉक मॉडल जो व्हाइट कलर आता है वो तो अवेलेबल है, बट जो ये वाला कलर है ये अवेलेबल है जनवरी एंड में। तो भाई बहुत लकी हो आप, आपको बड़ी जल्दी बाइक मिल गई है। अब तो कितने की पड़ गई है? अब 250 है तो 250 अच्छा खासा। 280 तो ऑन रोड प्राइस है। 280 ऑन रोड है इन दिल्ली। हाँ, इतना ही पड़ा। 280 लाख समथिंग, ऑल ओवर 3 लाख। 3 लाख रुपए की आपको ऑलमोस्ट पड़ गई भाई। आपको नहीं लगता 3 लाख में गाड़ी आ जाती? बोलते तो होंगे लोग आपको कि यार गाड़ी तो आ ही जाती। घर वाले कहते थे इतने में कार आ जाती, एक मतलब कोई ना कोई अच्छी कार तो। लेकिन फैमिली कार, कार से ना कम पावर नहीं है कह सकते हैं। पावर बहुत ज्यादा है, आप फर्स्ट गियर में उठा लो, सेकंड गियर में उठा लो, थर्ड गियर में आपको वही पावर फील होगी। ये चीजें बिल्कुल जेनुअन है। मैं अभी चला रहा था इस बाइक को और अभी लगा लो 1 से 2 किलोमीटर जो है मैंने इसको चला के देखा और पूरा फील लिया इस बाइक को मैंने। और चीजें इसकी जो है ना मेरे को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रही है, उसके बारे में एक अलग से जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पहले अभी बस ओनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो भैया आपने जब ये बाइक ले रहे थे तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट देखा और मतलब कि हाँ यार यही लेने जा रहा हूँ, मतलब क्या क्या देखे आपने? तो जो लोग नजरिए देखे थे वो उन सब ने बोला कि बुलेट ले लो, अच्छा क्लासिक ले लो। हाँ, अच्छा लगते देखने में। आपका मन क्या था कि भाई मेरे को क्या कौन सी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या है क्या नहीं है? यूनिक बाइक। हाँ, कम अवेलेबल हो अपने एरिया में। हाँ, एंड पावरफुल हो। हाँ, और स्पोर्टी हो। हाँ, KTM ड्यूक नया मॉडल आया। हाँ हाँ, चेक कर। हाँ, तो मैंने बुलेट को एकदम साइड रखा। अच्छा, मैंने एक बार देखा, मेरे को पहले बार ही पसंद आ गया। हाँ, तो मैंने जिस दिन देखने गया उसी दिन मैंने बुक कर दी एंड देन मेरे को 15-20 दिन बाद मिल गया आपको। तो ये आपने देखी बाइक, रॉयल इनफील्ड भी आप बता रहे हो देखी, तो रॉयल इनफील्ड में कौन सी देखी आपने? क्लासिक आती है फिर स्टैंडर्ड आती है। स्टैंडर्ड अभी स्टैंडर्ड अपडेट हो गई है, जो ओल्ड वाली स्टैंडर्ड आती थी थोड़ी सी उसकी ओल्ड। हाँ, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ओल्ड वाली आपको कम की पड़ जाती, 2 लाख रुपए तक की पड़ जाती। इस पे आ गया। और कौन सी देखी? हाँ ये तो है। और कौन सी देखी थी आपने? तो मैंने अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो है अपाचे 310। अच्छा, जो नई वाली आई है। नई वाली? हाँ 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 हाँ। तो बहुत ज्यादा वो भी स्पोर्टी लुक है और बहुत ज्यादा फीचर है। लुक्स कहीं ना कहीं इसके आगे ना उतने अच्छे नहीं लगते कई जो अलग बाइक के देखते ना। फीचर्स ज्यादा हैं, लेकिन अब वही है ना, दिल आ गया तो अब क्या कर सकते हैं। उसमें ये चीज तो है। चलाने में कितनी चला लिया आपने? महीने से पहले। इतना इतना मजा आ रहा है इसको चलाने में। तो रनिंग किस हिसाब की? किस हिसाब की रनिंग है आपकी? मतलब रनिंग नॉर्मल, वैसे तो मैं ऑफिस आता जाता हूँ। हाँ, इतनी यूज नहीं, कभी कभार तो दो दो तीन तीन दिन चलती नहीं है। चलती नहीं? अच्छा अच्छा। जैसे वीक ऑफ पिलियन को बैठाने में कैसा लगता है? मतलब आपने बैठाया या फिर अभी अकेले ही चला रहे? मैं खुद बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। इतना कंफर्टेबल ये भी लगता है कि आप जो आगे बैठा आप उसके कंधे पे
मतलब ऐसा तो नहीं है आगे वाले को स्ट्रेस पड़ता है, जैसे होता नहीं है ज्यादातर KTM की बाइकें ऐसी होती है कि पिलियन बैठते हैं तो फिर आगे वाले बंदे के हाथों पे फिर ना स्ट्रेस आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लीन नहीं है, मतलब पीछे का एरिया जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं थोड़ी लीन भी है थोड़ी नहीं भी है, फ्लैट है। कितने रुपए में फुल होता है टैंक इसका? 15 लीटर का टैंक है। 15 लीटर का? हाँ, तो मैं तो ऑक्टेन 95 भरवाता हूँ। अच्छा, मतलब पावर वाला डलवाते हो? अच्छा, हाँ, 1500 रुपए के आसपास का। तो क्या एवरेज निकाल देती है? बिल्कुल नहीं ना पे चलाते जाओ, फिर भी कुछ आइडिया हो कुछ, यार इतनी चल जाती हुई या फुल टैंक पे इतनी चल जाती है 25 एक लीटर में, 25 की एवरेज ठीक है इस बाइक के हिसाब से सही है, क्योंकि डिपेंड। तो आप कैसे हो, मतलब थोड़े रैश ड्राइवर हो या फिर थोड़ा सा? ये टॉप अभी मैं ज्यादा नहीं लेके गया हूं, 100 अभी थोड़ी नहीं है ना, 120 120 ले गए हो इसे? ले गए हो? अरे यार ले भाई, देख रहे हो कितनी कैपेबल बाइक है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ, रेकमेंड। अच्छा, सर्विस नहीं हुई थी जब चलाई थी? अच्छा, और अच्छी जाएगी। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है की टीम वालों का? जाते ही मेरे को वहाँ पे मेरा नंबर आ गया, मैं आ गया, एंड देन उन्होंने फिर वॉशिंग करी एट द सेम टाइम, मेरी जो भी डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह वो करा, और उन्होंने बस सर्विस में इस बार कुछ नहीं करा था, पहली सर्विस थी, उन्होंने इंजन ऑयल, एयर फिल्टर एंड क्लीनिंग क्लीन करके, ये कूलेंट कूलेंट एरा गाइस इसका। कुछ एक सॉफ्टवेयर अपडेट होना था इसका। अच्छा, मतलब डिजिटल है मीटर, सही है, अच्छा है। और म्यूजिक भी आप कंट्रोल कर सकते हो, नेविगेशन देख सकते हो। नाइट ड्राइव की है इसको, नाइट में कभी चलाया हो? लाइटें कैसी है इसकी? पता है नॉर्मल लाइट में जो होता है हाई बीम करने की जरूरत नहीं, क्यों क्या होता है ना कि जितनी स्लीक लाइटें होगी, जैसे जितनी स्लीक लाइटें होती है लाइटें उतनी ज्यादा कम कैपेबल हो पाती है। अब जैसे हाई बीम इसकी जल रही है और चार खाने हैं इसके अंदर, और चार खानों के नीचे वाले तो परमानेंट जलते हैं, ऊपर वाला हाई बीम हो जाएगा। अच्छा, ये भी हाई बीम पे है? रात में मतलब अच्छा लगता है ऐसा ऐसा कोई नहीं। तो सस्पेंशन कैसे हैं? रोड के लिए तो बहुत कंफर्टेबल। नेगेटिव क्या है इस बाइक के अंदर? ये है कि थोड़ा इंजन हीट करता है जैसे चला। अब वो ऐसा तो नहीं है कि सर्विस अभी थोड़ा सा और ड्यू है, मतलब दो तीन और सर्विस हो जाएगी? मुझे इतना नहीं आइडिया, पर थोड़ा तो हीट करता है। कमी बताओ, कमी मेरे को जानना चाह रहा हूँ, कमी क्या है बाइक के अंदर? अब जैसे हीट का आपने बोल दिया कि भाई थोड़ा सा ज्यादा चलाने पे थोड़ी हीट होती है, कमी तो मुझे नहीं लगी, कुछ लगी हो ऐसी? यार नहीं यार, ये होनी चाहिए, कुछ कमी नहीं है, कमी मुझे नहीं दिखी। अच्छा अच्छा, ऑल ओवर गुड है, गुड है। पीछे भाई हमारे भैया आ गए हैं, इनको जान देते हैं फिर बात करते हैं। गुड गुड। कॉर्निंग वगैरह की है इस बाइक के साथ? कॉर्निंग मतलब जैसे कि आप हाईवे पे चल रहे हो थोड़ी सी लीन वगैरह? एक्चुअली इसमें क्या एक और फीचर है, आपका कॉर्निंग ABS मिलते हैं। अच्छा, जैसे आप कॉर्निंग करो ना उसमें अलग ABS मिल जाता है। अच्छा अच्छा, लीन होता है आपके बाइक जो भी होता है, तो कॉर्निंग के लिए ABS मिलते हैं, आपकी बाइक कभी स्लिपिंग नहीं होगी। हाँ, तो ये थोड़ा सही है। हाँ भाई, सेक्शन पता कितने का मिलता है? 150 इसकी चौड़ाई हो गई, 60 ऐसे हो गया ठीक है, और 17 इसकी व्हील वो हो गई। अब लो प्रोफाइल व्हील है ना तो बड़ा मजा आता है, हो ही नहीं सकती ये तो है, मतलब कहीं ना कहीं जो इसके व्हील साइज है ना वो इम्प्रेस कर देते हैं, मतलब हर एक चीज के मामले में ओनर को ऐसा है कि भाई मेरे को सब सही लग रहा है। अगर आप बात करते हो परफॉर्मेंस की, अगर आप बात करते हो कंफर्ट की, अगर आप बात करते हो रिलायबिलिटी की, अगर आप बात करते हो पावर फिगर्स की, हर एक चीज़ के मामले में ओनर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है बाइक। ब्रेक कैसे हैं इसके? ब्रेक बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हाँ, आपको मतलब कॉन्फिडेंस इतना दे देते हैं। हाँ, आप सोचोगे कुछ और पहले आपकी ब्रेक लग जाएगी। अच्छा, हाँ, मतलब आपको कभी डराएगी नहीं, डराती नहीं है बेसिकली। क्या कॉन्फिडेंस जितना रहेगा ना आपके पास उतनी अच्छी से ब्रेकिंग जो है आपकी कामयाब रहेगी। गियर कितने हैं इसमें? गियर 6 है। 6 गियर है इसमें? अच्छा, सर्विस फ्री कितनी है इसमें?
फ्री थ्री सर्विस है और फ्री के नाम पे कितने पैसे लेते हैं? फ्री के नाम पे मेरे सर्विस में इसमें 2600 रुपीज। इतने 2600 फ्री? फ्री पे तो कितना लगता है जब पेड़ वाली हो जाएगी? लेबर चार्ज होता है कितना? 800 रुपए 300 रुपए के आसपास होता है। आप जोड़ दो एक्स्ट्रा और बस ये हो गया आपका। और ऑयल वॉयल के पैसे लिए होंगे आपसे? पैसे लिए, एयर फिल्टर हो गया। तो ये सब था। अभी तो कुछ मैं हुआ ही नहीं था, कोई नई बाइक अब बिल्कुल ही नहीं है तो कोई चीज़ जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी होती है क्या इनकी बाइकों में, KTM की? मतलब जैसे बाइक लेते हो, जैसे ड्यूक ले रहे थे आप, तो कुछ ऑप्शन ऐसा मिला नहीं? मिला नहीं आपको? हस्क्वर्ना देखी थी आपने? हस्क्वर्ना कैसी लगी वो बाइक? वो अच्छी है, बट वही है ना कि हमको तो समझ आएगी चलाने वाला जो भी राइडर होगा, हाँ। पता है वो चीज क्या है, चीज़ है। देखने वाला होगा ना वो बोलेगा कि क्या ही चीज। इस पे कुछ प्लान है कि भाई कुछ लंबा टूर ट्रैक मारना है? कहाँ का जाने का प्लान है? पहाड़ों पे। अच्छा, अभी फिलहाल कुछ मंदिरों पे जाने का प्लान है। हाँ हाँ, वहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा अच्छा। और अभी तो बस सर्विस की देरी थी, सर्विस हो जाए उसके बाद शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा। बाकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक और कलर आप बताते हैं कि भाई सही है बाइक? ओवरऑल जो कस्टमर का जो फीडबैक है, बाइक बहुत अच्छी है, सर्विस में भी बहुत अच्छी है, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस इनका रहा वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहा इस बाइक के साथ। तो ओवरऑल खुश हैं बाइक को लेके, और हर एक चीज़ के मामले में सेटिस्फाइड कर रही है ओनर को ये। धन्यवाद आपका, धन्यवाद मेरे को इतना कीमती टाइम देने के। आपकी बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। Thanks for watching this video, guys.